सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस की ऑनलाइन क्लास में। और आज की वीडियो में हम पढ़ने और समझने वाले हैं वर्कशीट नंबर 26 और हमारा टॉपिक चल रहा था सजीव एवं उनका परिवेश, क्लास 6 की आज की क्लास में। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जीवों की विशेषताएं, यानी कि जीवों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, उन्हीं विशेषताओं पे आज हम बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर उद्दीपन। तो उद्दीपन को आपने ध्यान से समझना है कि सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं। अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स करते हैं। अचानक से कुछ भी चेंज होता है तो सभी जीव उसमें, इंसान भी होते हैं और जानवर भी होते हैं, जीव भी होते हैं ना। वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन। यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं उन सभी को उद्दीपन कहते हैं। जैसे अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। तो अचानक से अगर लाइट पड़े हमारी आंखों में, सो के उठे लाइट पड़ी तो क्या करते हैं, आंखें हमारी बंद हो जाती है ना। इसी तरह से अगर बारिश होने लग जाती है तो हम फटाफट से अपने घर भाग जाते हैं, है ना। तो अलग अलग रिएक्ट करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जानवर क्या करते हैं। सवाल है आपके लिए कि रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने पर कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? तो कॉकरोच तो लगभग सभी के घरों में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या, कैसे लाइट जलाने से क्या करते हैं कॉकरोच? तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखोगे कि रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच जल्दी से अंधेरे या कोने की तरफ भागने का काम करते हैं। सबसे पहले वो दौड़ते हैं किसी कोने को, अंधेरी जगह को वो तलाशते हैं, तो ये रिएक्ट करते हैं कॉकरोच। इसी तरह से हर जीव, हर जानवर, यहाँ तक इंसान भी अलग अलग रिएक्ट करना करते हैं। तो आपने आंसर अपनी कॉपी में पहले सवाल का इसी तरह से लिखना है। और आगे देखते हैं, क्या जीवों में उत्सर्जन होता है? ये उत्सर्जन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद काफ़ी कुछ हमारे शरीर पर लग जाता है और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखो, सभी सजीव भोजन करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, तो वो कुछ ही भाग हमारे शरीर को लगता है और बाकी अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो देखो, मल के रूप में फ्रेश होते हैं तो सुबह सुबह हम निकाल देते हैं। इस निकालने की प्रकार हमको हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो सजीव जो अलग अलग तरीके से उत्सर्जन करते हैं। तो अगला टॉपिक हम समझते हैं कि क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं अपनी तरह? तो देखो, इंसान कैसे, इंसानों के बच्चे कैसे होते हैं? इंसानों की तरह होते हैं। अच्छा, कुत्ते के बच्चे कुत्ते की तरह होते हैं। कॉकरोच के बच्चे कैसे होते हैं? तो कॉकरोच के बच्चे बिल्ली की तरह नहीं होंगे ना, कॉकरोच की तरह होंगे। तो अपने जैसों को ही वो जन्म देते हैं। अब देखो, सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। प्रजनन, इसे कहते हैं प्रजनन। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग होती है। यानी कि जीव, इंसान अलग टाइप का प्रजनन करते हैं और पौधे अलग। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं, कुछ डायरेक्ट जिनके बच्चे होते हैं, और कुछ जंतु अंडे भी देते हैं। जैसे कि चिड़िया अंडे देती है ना, और कुछ पौधे क्या करते हैं, वो बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो कुछ पौधे होते हैं जो बीज से अंकुरित होते हैं, और कुछ पौधे होते हैं अपने कायिक यानी कि अपने शरीर से ही वो दूसरे पौधे को जन्म देते हैं। देखो, एग्जांपल के लिए क्या है, आलू। तो आलू क्या होता है, आलू के आप बहुत सारे टुकड़े कर लोगे तो आलू की आंखें होती है, तो उस आंख से ही पौधा उगता है। इसी तरह से आपने गन्ना देख लिया, तो गन्ने में भी क्या होता है, आप गन्ने की डंडी लगा लो तो जो प्रत्येक गांठ होती है, गांठ से ही एक नया पौधा जन्म ले लेता है। चलिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी है, बिल्ली। तो यहाँ पे देखो, बिल्ली के आपने बच्चे देखे होंगे, है ना। तो बिल्ली के बच्चे देखो सेम बिल्ली की तरह ही दिखेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल है, तीन तीन जीवों के नाम लिखने हैं जो अंडे देते हैं और जो शिशु देते हैं। तो चलिए, ऐसे जीव, कुछ जीव शिशु देते हैं डायरेक्ट, वो बच्चे होते हैं, और कुछ के अंडे होते हैं। तो क्या इंसान के अंडे होते हैं? नहीं होते, इंसान डायरेक्ट बच्चे को जन्म देता है। तो चलिए, हमारे दूसरे सवाल का आंसर है अंडे देने वाले जीव। तो देखो, अंडे कौन देते हैं, चिड़िया अंडे देती है,
सांप अंडे देती है, छिपकली अंडे देती है, हमने तीन ही लिखने हैं, मैंने आपके लिए चार लिखे हैं, तो मुर्गी भी अंडे देती है। और इसी तरह से शिशु को जन्म देने वाले जीव, सबसे पहला है इंसान, इंसान भी शिशु को जन्म देता, शिशु यानी कि बच्चा। गाय बच्चे पैदा करती है, हाथी भी शिशु को जन्म देती है, और बकरी भी शिशु को ही जन्म देती है। इनके अलावा आप एक नाम ऐसे जीव का लिखोगे जो अंडा देती है और एक जो शिशु को जन्म देती है, मुझे कमेंट में बताना एक ऐसा जीव जो शिशु देती है और जो अंडा देती है। तो चलिए अगले आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा गति है ना, क्या सभी जीवों के द्वारा गति की जाती है? गति यानी कि चलना, आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर जाते हो, घर से मार्केट जाते हो, तो इसे क्या कहेंगे, गति करना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो देखो अधिकतर जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं, गति करते हैं यानी कि जाते हैं। आने जाने की क्रिया को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गति। पौधे सामान्यतः जमीन में जकड़े रहते हैं इसलिए वह गति नहीं करते हैं, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे जल और खनिज एक भाग से दूसरे भाग तक वो संवहित करते हैं। यानी कि पौधे भी सजीव हैं, है ना, लेकिन वो एक जगह टिके रहते हैं क्योंकि उनकी जड़ें जो है अंदर की ओर होती हैं जमीन में, तो वो जकड़े होती है ना। और क्या होता है, जो खनिज होता है, खनिज यानी कि जल और खनिज, जो भी वो ऊर्जा लेते हैं पौधे, मान लीजिए ये जड़ है, है ना, ये जड़ है और ये जो है पेड़ है आगे, तो क्या करते हैं, जल जो है यहाँ से उनके हर भाग में पहुँचता है पौधों के, पेड़ों के, और जो खनिज है वो भी जड़ों में जाता है और टहनियों में पहुँचता है। तो ये है जीवों का और पौधों का, है ना। तो क्या होता है, एक दूसरी जगह जाना, लेकिन कई बार वो गति नहीं करते हैं पौधे, लेकिन हम उन्हें सजीव ही कहेंगे क्योंकि उनमें क्या होता है, वो जन्म देती हैं पौधे, वो सांस भी लेती हैं और छोड़ती हैं, साथ में वो खाना भी, आहार भी लेती हैं, है ना। तो इसी तरह से हम उनको क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। तो अगला सवाल है कि कार या बस गति करती है, है ना, कार या बस भी चलती है, ट्रेन भी चलती है, हवाई जहाज भी चलती है, इन वस्तुओं को हम सजीव कहेंगे या निर्जीव, और अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे। तो देखो पहली बात तो ये है कि गाड़ियां भी चलती है, अभी हमने बात की कि जो जो चलते हैं जिनमें गति होती है वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, लेकिन इसके उल्टा हमने देखा कि पेड़ तो एक ही जगह टिका होता है लेकिन फिर भी सजीव है। अब इसी तरह से इसका उल्टा देखेंगे कि चलती तो गाड़ी भी है, चलती तो ट्रेन भी है, चलती तो बस भी है, लेकिन क्या ये सजीव है। तो चलिए इसका आंसर आपको दिखा देता हूं। तो इस तरह लिखोगे इसका आंसर कि कार या बस भी गति तो करती है लेकिन इन्हें हम क्या कहेंगे, निर्जीव कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये न ही उत्सर्जन करती है यानी कि खाना पीना पचाती नहीं है, न ही ये शिशु को जन्म देती है, सॉरी ये शिशु लिखना आपने, न ये शिशु को जन्म देती है और ना ही सांस लेने या छोड़ने का कार्य करती है, है ना। तो निर्जीव होने की यही एक लक्षण होते हैं कि वो सांस लेना देना नहीं होता, वो शिशु को जन्म नहीं देती है और उत्सर्जन नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों ये थी आज की वर्कशीट साइंस की, यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी अपनी क्लास ग्रुप में शेयर करना है ताकि वो भी आपके साथ इस वर्कशीट को पढ़ सकें। धन्यवाद।